हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने आईफोन को जो है वो सैनिटाइज कर सकते हैं। ना सिर्फ आईफोन के लिए है, ये सब एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी अप्लाई होता है। और आज जो मैं आपको गाइडलाइंस बताने वाला हूँ वो जो है एप्पल के अपने खुद के स्पेसिफाइड गाइडलाइंस है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा apple.com का, वहाँ पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते ही है आजकल जो पैंडेमिक फैला हुआ है, जो बीमारी फैली हुई है, जो वायरस फैला हुआ है, इसमें पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने हाथों को साफ रखना। WHO ने भी काफ़ी टाइम बताया है, हमारी गवर्नमेंट बता रही है, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो हमको बार बार बता रहे हैं कि हमको जो है हाथ अपने धोना चाहिए बार बार साबुन से, या फिर जो है हैंड सैनिटाइजर से उसको सैनिटाइज करना चाहिए। लेकिन हमारा फ़ोन जो है वो हमारे हाथों से भी ज़्यादा गंदा होता है। इनफैक्ट काफ़ी सारी रिसर्च, काफ़ी सारी स्टडीज़ ये बताती है कि हमारे जो फ़ोन्स होते हैं, हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें जो है 10 times मोर बैक्टीरिया होते हैं एक टॉयलेट के मुकाबले। तो इतना ज़्यादा गंदा होता है हमारा फ़ोन, और स्पेशली हम लोग उसको टॉयलेट में भी लेके जाते हैं, और ऐसे भी हमारा पसीना, हाथ का स्वेट है, दूसरों के हाथ में जाता है वो फ़ोन। तो ये सारी चीज़ों से कैसे आप जो है उसको कम्प्लीटली सैनिटाइज कर सकते हैं, ये हमारा आज का वीडियो है। और ये वीडियो दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेफली जो है आपके फ़ोन को आपको सैनिटाइज करना है। कोई भी केमिकल अगर आप उठा के अपने फ़ोन पर अप्लाई कर देंगे, उसको सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपका फ़ोन डैमेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी वारंटी जो है उनकी वो भी वॉइड हो सकती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इसके लिए आज का हमारा वीडियो है। तो वीडियो को जो है पूरा देखिए, और जो मैं बता रहा हूं उसको जो है प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे है मेरे पास अपने दोनों आईफोन्स। यहाँ पे एक जो है एल्यूमिनियम वाला है, एक ग्लास बॉडी वाला है। ये सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि दोनों केसेस में जो है आप किस तरीके से सैनिटाइज कर सकते हो। अगर फाइबर बॉडी वाला है, प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट, जो भी आप इसको बोलो, तो उस पर भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ग्लास जो बॉडी वाले फ़ोन्स होते हैं और एल्यूमिनियम वाले भी, उसके ऊपर जहाँ पे भी ग्लास सरफेस होता है उस पर होता है एक ओलियोफोबिक कोटिंग। ओलियोफोबिक कोटिंग क्या करता है, आपके जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है, जो स्मज वगैरह हो जाता है पसीने से, उसको जो है ग्लास पे रहने नहीं देता, उसको रिपेल करता है बेसिकली। तो ऑयल वगैरह जितना भी रहेगा वो सब रिपेल हो जाएगा उसकी वजह से। तो वो कोटिंग जो है हमारी डैमेज नहीं होना चाहिए। और हमारे फ़ोन के इंटरनल्स भी जो है, जो पोर्ट वगैरह है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हमारे फ़ोन के अंदर, वो भी चीज़ें जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। तो सेफली कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है जिसको आज हम इस्तेमाल करेंगे, और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, एक आफ्टर शेव लोशन है और एक जो है परफ्यूम है। ये बिल्कुल भी आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल का हमको इस्तेमाल करना है सैनिटाइजेशन के लिए, लेकिन उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो एडेड नहीं चाहिए, जैसे कि फ्रेग्रेंसेस या कोई भी दूसरे जो है केमिकल्स। अब अगली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो है ग्लास क्लीनर। ये है कार का ग्लास क्लीनर, लेकिन आपके पास घर में भी ग्लास क्लीनर होगा जिस पे लिखा भी होगा इट इज़ सेफ़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लेकिन आपको यूज़ नहीं करना है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली नॉट सेफ। जैसे कि कॉलिन करके एक ब्रांड का प्रोडक्ट आता है, वो आपको अपने आईफोन के ऊपर या अपने स्मार्टफोन के ऊपर जो है इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके से कोई भी ग्लास क्लीनर या हाउस होल्ड क्लीनर जो है उसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जो लिक्विड हमको इस्तेमाल करना है दोस्तों वो है ये एक स्पिरिट है जो कि आपको आपके लोकल केमिस्ट के पास मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ये 60% से लेके 90% अल्कोहल तक का आपको देखने मिलता है, डॉक्टर स्पिरिट भी इसको बोलते हैं। और सिर्फ स्पिरिट भी आप बोलेंगे तो आपको जो है बड़ी आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही सस्ती चीज़ है। 100 ml का बॉटल जो है 30 से लेके 50 rupees के बीच में आपको जो है मिल सकता है। तो ये चीज़ जो है आपको नियर बाय मेडिकल स्टोर से जो है सबसे पहले सोर्स कर लेनी है। इसके बाद जो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये जो क्यू टिप्स है या फिर कॉटन स्वैब बोल सकते हो, ईयरबड बोल सकते हो, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों ये लेंस क्लीनर या फिर जो आपका चश्मा होता है उसके साथ जो क्लीनिंग क्लॉथ आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि वो लिंट फ्री होना चाहिए, यानी कि उसके जो रेशे है, जो बाल जिसको बोलते हैं या रेशे बोलते हैं, जो धागे बोलते हैं, वो चीज़ जो है इस पे से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके फ़ोन के पोर्ट्स में जाके अटक सकता है। यहाँ पे जो तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना अपने फ़ोन के ऊपर। कोई भी रफ़ क्लॉथ या कोई भी पेपर टॉवल, पेपर टिश्यू जो है इसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इसके अंदर जो है अब्रेजन की वजह से जो है आपके फ़ोन के डिस्प्ले पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, आपके फ़ोन के बॉडी पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, और ओलियोफोबिक कोटिंग जो है वो स्क्रब ऑफ हो सकती है इसे। तो कोई भी ऐसी रफ़ चीज़ जो है आपको इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास जो आखिरी चीज़ है दोस्तों, ये जो है वाइप्स है, ये लेंस क्लीनिंग वाइप्स है, एंड इट इज़ सेफ़ फॉर योर सेल फोन्स, योर ग्लासेस, योर लैपटॉप्स,
लैपटॉप्स या कैमरास किसी पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जो MRP है दैट इज़ 300 रुपीज़, लेकिन ये जो है आपको अराउंड 200 में मिल जाएगा। अमेजोन का लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और इसके अंदर जो है कोई भी अग्रेसिव ग्लास क्लीनिंग मटेरियल नहीं है, सो इट इज़ वेरी सेफ। और इसके अंदर जो है ऐसे पैकेट्स आते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो है यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपको जो है अभी लॉकडाउन के टाइम पर नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में आप इसको परचेस कर सकते हो। तो इसका भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कैसा है। तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों, आपके फ़ोन की जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखना है। कोई भी जो लाइटनिंग पोर्ट में आपके जो है चार्जिंग केबल लगा हुआ है, फ़ोन चार्ज पे है या नहीं, फिर भी उस केबल को आपको जो है निकाल देना है। सिमिलरली आपको जो है कोई भी हेडफोन्स वगैरह जो है आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं करने हैं। देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो फ़ोन है, जो आईफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, दैट इज़ इन स्विच्ड ऑफ कंडीशन। क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग कुछ लिक्विड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि आपके फ़ोन पे सेफ़ है, लेकिन क्योंकि लिक्विड यहाँ पे इस्तेमाल में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू शुड टर्न ऑफ योर सेल फोन। तो दोनों ही फ़ोन, जो कोई भी फ़ोन आपके पास है, उसको आप जो है सबसे पहले स्विच ऑफ कर दें। अगर आपके पास दोस्तों केस वाला फ़ोन है, तो केस जो है एक काफ़ी गंदी चीज़ होती है, तो केस को पहले अपने फ़ोन से जो है आप अलग कर लें। अगर आपने केस को जो है काफ़ी टाइम से धोया नहीं है, कभी भी नहीं धोया, तो इसको जाके आप जो है कोई भी माइल्ड साबुन जो होगा आपके घर पे, चाहे वो शैम्पू हो या रेगुलर हाथ धोने का साबुन हो या लिक्विड हैंड वॉश हो, उससे जो है आप इसको अच्छे तरीके से धो ले। एक बार आप इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों हम अपने फ़ोन पे आ जाते हैं। फ़ोन पे आपको क्या करना है यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको फ़ोन पे जो है कोई भी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इस टाइप का जो क्लॉथ है, जो क्लीनिंग क्लॉथ मैंने आपको बताया, जो कि लेंस क्लीनिंग क्लॉथ होगा या माइक्रोफाइबर होगा, वो आपको ले लेना है। और इसको लेने के बाद दोस्तों, ये जो अल्कोहल आपने मेडिकल स्टोर से ख़रीदा है, ये जो 60% 70% तक का अल्कोहल होगा, इसको जो है अपने क्लॉथ पे थोड़ा सा जो है डाल लीजिए इस तरीके से। क्लॉथ को आपने एक बार वेट कर लिया दोस्तों, तो बस आपको जो है अपने फ़ोन को अच्छे तरीके से जो है वाइप डाउन कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन पे जो भी डर्ट डस्ट होगा, जो भी मैल होगा, वो तो यहाँ पे साफ़ हो ही रहा है। इसी के साथ दोस्तों जो बैक्टीरिया वगैरह है वो भी यहाँ पे जो है फ़ोन पे किल हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो है बॉटम के साइड में और लेफ्ट और राइट साइड में बटन्स के आसपास भी जो है अच्छे तरीके से अपने फ़ोन को वाइप डाउन कर लेंगे। अल्कोहल इस्तेमाल करने का एक और फ़ायदा भी है, एक तो ये आपके फ़ोन को डैमेज नहीं करता, कहीं मॉइस्चर जो है वो रहने नहीं देता, और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाता है। ग्लास के फ़ोन को भी साफ़ करना दोस्तों सेम प्रोसीजर है, आपको इस पे भी जो है अल्कोहल ले लेना है और अपने ग्लास के फ़ोन को जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं, अल्कोहल जो है वो अपना काम बखूबी निभा लेगा और अच्छे तरीके से आपके फ़ोन को जो है साफ़ कर देगा। अब आती है दोस्तों इस बड को इस्तेमाल करने की बारी, तो बड आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो बता देता हूँ। देखिए कुछ स्पॉट्स हमारे फ़ोन पे ऐसे होते हैं जहाँ पे कपड़ा जो है आसानी से पहुँचता नहीं, जैसे कैमरा के अतराफ, तो कैमरा के अतराफ जो है आप बड पे अल्कोहल लगाकर इस तरीके से जो है इसको क्लीन कर ले। इसी तरह से दोस्तों दूसरे साइड में आपका जो साइलेंट स्विच है उसके आसपास भी जो है आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। और बॉटम में जो आपके ग्रिल्स है, ज़्यादा इसको अंदर नहीं घुसाना क्योंकि इसका कॉटन भी जो है जाकर कहीं अटक सकता है, तो वहाँ पे भी जो है अच्छे तरीके से आप जो है अल्कोहल वाले इस बड से इसको क्लीन कर सकते हैं। सिमिलरली आपका जो ईयर पीस है, ईयर पीस के अंदर भी जो है आप इस तरीके से इस बड को रब करेंगे, तो जो भी इसके अंदर जो है बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो सब क्लीन हो जाएंगे, साथ साथ थोड़ी बहुत धूल भी होगी वो भी यहाँ पर साफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मैंने बताया था आपको अल्कोहल स्वैब्स, ये जो लेंस क्लीनिंग वाले वाइप्स है, ये बहुत ज़्यादा काम के हैं अगर आप घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप घर से बाहर रहेंगे तो ये सारी चीज़ें तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेके नहीं चलेंगे। और अभी अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं होगा, लॉकडाउन के बाद ज़रूर हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करना कैसा है ये भी आपको बताता हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप रेगुलर डे टू डे यूज़ में भी इसको लेके आएंगे आफ्टर लॉकडाउन, तो भी आपके जो है बहुत काम की चीज़ है। देखिए इसके अंदर जो है इस तरीके का एक अल्कोहल लगा हुआ वाइप होता है जिसके ऊपर पहले से अल्कोहल लगा है, एक वेट वाइप है, इसको आप इस तरीके से खोल लीजिए। इसके बाद दोस्तों इससे आपको बस अपने फ़ोन को जो है अच्छे तरीके से साफ़ करना है। स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के टाइम पे भी हमको इस टाइप का वाइप जो है मिलता है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इससे भी आप फ़ोन को जो है सब तरफ से आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये जो अल्कोहल वाले वाइप्स है दोस्तों और ये जो अल्कोहल मैंने आपको बताया, ये दोनों भी जो है आपके केस पे भी सेफ है, तो केस पे भी आप जो है इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन जो है केस के अंदर है तब भी आप इसको इस्तेमाल करके उसको क्लीन कर सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कितना ईजी है अपने फ़ोन को सैनिटाइज करना, उसको साफ़ रखना, उसको हाइजीनिक रखना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको दिन में जो है मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए, और क्योंकि हम इसको मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं, इसको जो है सेफली करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते, चीप और इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं। लॉकडाउन के अंदर हम लोग हैं लेकिन फिर भी आप जो है ये प्रोडक्ट्स आसानी से अपने केमिस्ट से, फार्मासिस्ट से जो है या मेडिकल स्टोर से जो है जाकर परचेज कर सकते हैं। और जो मैंने वाइप्स के बारे में आपको बताया ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने फ़ोन को सैनिटाइज करने का, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब कभी अमेज़ॉन के सर्विसेज जो है वो रिस्टोर हो जाएंगे इंडिया के अंदर तब जाके आप वैसा वाइप जो है वो परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।